नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में धरती पर कई तरह के जीव जंतु रहते हैं और उन जीव जंतु में से एक सबसे खतरनाक जीव है बिच्छू, जो कि एक डंक से किसी भी इंसान की जान ले सकता है। तो चलिए समझते हैं। हमारे भारत देश में लाल बिच्छू पाया जाता है, जो कि काफ़ी घातक और विषैला होता है और उनके विष में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जो कि किसी इंसान को डंक मारने के बाद विष इंसानों के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में चली जाती है, जिसके कारण इंसान की मौत भी हो सकती है। बिच्छू एक खतरनाक जीव है, जो रहता तो बड़े शांत से है, लेकिन इसमें इतना पॉइजन पाया जाता है कि अगर यह किसी इंसान को डंक मार दे तो इंसान की मौत हो सकती है। दोस्तों, बिच्छू साधारणतः गर्म प्रदेशों में पत्थर आदि के नीचे छिपे हुए पाए जाते हैं और रात्रि में ही सिर्फ बाहर निकलते हैं। बिच्छू की लगभग 2000 प्रजातियां होती है, जो न्यूजीलैंड तथा अंटार्कटिका को छोड़कर विश्व के सभी भागों में पाई जाती है। इसका शरीर लंबा, चपटा और दो भागों में शिरोवक्ष और उदर में बटा होता है। शिरोवक्ष में चार जोड़े पैर और अन्य उपांग जुड़े रहते हैं तथा सबसे नीचे के खंड से डंक जुड़ा रहता है, जो विष ग्रंथि से संबंध रखता है। शरीर काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका हुआ होता है। इसके सिर के ऊपर दो आंखें होती है। इसके 2 से 5 जोड़ी आंखें सिर के सामने किनारों में पाई जाती है। बिच्छू साधारणतः उन क्षेत्रों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ का तापमान 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है, परंतु ये ठंडी जगह और मरुस्थली जगह पे भी रह सकते हैं। दोस्तों, बिच्छू के 8 पैर होते हैं और एक संघरी खंड वाली पूंछ होती है, जो अक्सर उनकी पीठ के ऊपर मुड़ती है, जिसके अंत में एक विषैला डंक होता है। बिच्छू अपने शिकारियों को मारने के लिए अपनी जहरीली पूंछ से डंक मारते हैं। पूंछ का इस्तेमाल शिकारियों के खिलाफ एक उपयोगी बचाव के रूप में भी किया जाता है। बिच्छू की प्रजाति का आकार 0.09 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होता है। बिच्छू की लगभग 2000 प्रजातियां या प्रकार होते हैं। आमतौर पर इंसानों को बिच्छू और उनके जहरीले डंक से डर लगता है, लेकिन बिच्छू की प्रजातियों में से केवल 30 या 40 प्रजाति में ही जहर पाया जाता है, जो इंसानों को मारने में सक्षम होता है। बिच्छू अक्सर दिन में चट्टानों के नीचे और जमीन में छेद करके उसके अंदर रहते हैं और रात के वक्त भोजन की तलाश में ही बाहर निकलते हैं। ये अधिकांशतः गर्मी के मौसम में ज़्यादा बाहर निकलते हैं। अधिकांशतः बिच्छू इंसान के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। वैसे बिच्छू का डंक बेहद पीड़ादायक और विनाशकारी होता है और इसके लिए इलाज की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, बिच्छू का शरीर लंबा, संकरा और परिवर्तनीय रंगों का होता है। शरीर के 2 भाग मेन होते हैं, आगे का भाग जिसमें उसके पेट होते हैं और पीछे का भाग जिसमें उसके पूंछ होते हैं। बिच्छू में एक जोड़ा 20 ग्रंथियां होती है, जो पूंछ खंड की तुम्बिका में अगल बगल रहती है। इनकी पेशियां मजबूत होती है और 20 ग्रंथियों की वाहिकाएं 10 के सिरे में खुलती है। बिच्छू का विष स्वादहीन, गंधहीन और अल्पशयान तरल पदार्थ का होता है। इनके विष पानी और नमकीन बिलियन में घुल सकती है, परंतु अल्कोहल और इथर में नहीं घुलती। ये प्रायः चट्टानों और चपटे पत्थरों के नीचे पाए जाते हैं। ये अधिकांशतः अकेले ही रहते हैं, पर वर्षा ऋतु के आरंभ में पत्थरों के नीचे बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये मक्खियों, तिलचट्टों और अन्य कीटों पर निर्वाह करने वाले परभक्षी हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे महंगे लिक्विड में बिच्छू का जहर भी आता है। इसके 1 लीटर की कीमत लगभग 68 करोड़ रुपये की होती है। दोस्तों, बिच्छू एक विषैला कीड़ा है, जिसके काटने पर बहुत अधिक दर्द होता है और कई बार यह दर्द इतना भयानक हो जाता है कि इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह बहुत कम होता है। जब एक बिच्छू डंक मारता है तो उसके तंतु जहर छोड़ते हैं। इसका विष का एक जटिल मिश्रण जो तंत्रिका तंत्र न्यूरोटॉक्सिन को प्रभावित करता है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब एक मादा बिच्छू अपने बच्चे को पैदा करती है तो वह एक साथ लगभग 100 बच्चे को जन्म देती है और वह उन सबको अपने पीठ पर बिठाकर किसी अच्छी और सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वह तब तक बिठाकर रखती है जब तक कि वे बड़े नहीं हो जाते, और इस दौरान मादा बिच्छू के सभी बच्चे अपने भूख मिटाने के लिए अपने ही माँ के पीठ को खा खा कर खोखला बना देते हैं। मादा बिच्छू के सारे बच्चे अपने माँ की पीठ से चिपक जाते हैं और माँ का शरीर ही उनका आहार बन जाता है। बच्चे माँ के शरीर से तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि मादा बिच्छू के शरीर का मांस खत्म न हो जाता है और वह मर ना जाती है। और जैसे ही मादा बिच्छू मर जाती है तो उसके बच्चे भोजन की तलाश में नीचे उतर कर शिकार करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए कहा भी जाता है कि बिच्छू अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही बच्चे पैदा करती है और उसके बाद मर जाती है।
दोस्तों बिच्छू अपने खुशी के लिए नहीं मरता है, वह अपने बच्चों के भोजन व विकास के लिए मर जाता है। इसीलिए कहा भी गया है कि माँ के जैसा कोई नहीं और उनका दर्द समझने वाला भी कोई नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।